प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी जूनी शुक्रवारी रोड स्थित विट्ठल रुक्मिणी मंदिर प्रांगण में सर्वशाखीय कुनबी समाज की ओर से स्नेह मिलन दीपावली कार्यक्रम लिया गया। इस कार्यक्रम में कुनबी समाज के तमाम महानुभाव मौजूद थे। दीपावली एक ऐसा त्योहार है जिसे मनोमिलन का त्योहार भी कहा जाता है। दीपावली में हर कोई खुशी के दीप जलाकर औरों को भी खुशियां बांटते हैं। प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी शहर के जूनी शुक्रवारी रोड स्थित विट्ठल रुक्मिणी मंदिर प्रांगण में सर्वशाखीय कुणबी समाज की ओर से स्नेह मिलन दीपावली कार्यक्रम किया गया। इस कार्यक्रम में सभी शाखीय कुणबी समाज के मान्यवर मौजूद थे। सभी ने एक दूसरों को दीपावली की शुभकामनाएं दी। स्नेह मिलन एक ऐसा कार्यक्रम किया जाता है जिसमें शहरी और ग्रामीण भागों से कुणबी समाज के सभी शाखीय लोग आते हैं। इस कार्यक्रम का उद्देश्य सभी का स्नेह मिलन हो और समाज की बंधुता, प्रेम और संगठन को मजबूत करना है। इस बारे में इनबीसीएन समक्ष सभी शाखीय कुणबी समाज के लोगों ने जानकारी दी। दिवाली एक ऐसा त्यौहार जो पूरे भारतवर्ष में मनाया जाता है और दिवाली के दिन एक कार्यक्रम होता है जिसको कहते हैं स्नेह मिलन। ये जो मिलन होता है हर क्षेत्र के लोग अपने सभी लोगों को समाज के हो फिर समाज के न हो ऐसे लोगों को बुलाया जाता है और एक बड़े पैमाने पे एक अच्छा कार्यक्रम लिया जाता है जिसे स्नेह मिलन कहा जाता है। आखिरकार यह स्नेह मिलन क्यों लिया जाता है आइए हम रुक करना चाहेंगे इस समय में इनबीसीएन की टीम नागनदी के बाजू में जो अखिल कुणबी समाज भवन है वहाँ पे ये तमाम लोग यहाँ पे कुणबी शाखीय सभी लोग हैं उनसे जानना चाहेंगे। सर ये बताएं कि जिस तरह से आज ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया इसके लेने के पीछे का उद्देश्य क्या था? देखिए सर हमारे कुणबी समाज में निश्चित तौर से बताया जाए तो 49 जाति है। हर जाति में बटा हुआ हमारा समाज है। कहीं तो भी एक जगह हम लोग मिलना चाहिए क्योंकि हर साल जो है अखिल कुणबी समाज हमारा ये हमेशा दिवाली का स्नेह मिलन लेता है और उस माध्यम से ऐसा है कि पूरे शाखा के जो पदाधिकारी है वो एक जगह आते हैं और ये हमारा दिवाली स्नेह मिलन का कार्यक्रम करते हैं। हमेशा दरवर्षी प्रमाणे यंदाही आम्ही दिवाळी स्नेह मिलनाचा कार्यक्रम आयोजित केला। या कार्यक्रमाला सगळ्या घटक पोट जाती आहे या सगळ्या एकत्र येऊन कार्यक्रम आम्ही आयोजन केले व त्या कार्यक्रमाला यशस्वी बनवलं। त्याचप्रमाणे सगळ्या ज्या आता शेतकऱ्यांच्या समस्या आहेत त्या समस्या दूर करण्यासाठी या घटक जाती जे आहे या एकत्र करून मोठे एक शेतकऱ्यांसाठी आंदोलन करून आम्ही समोर पुढे जाणार। विशिष्ट म्हणजे आमचा जो समाज आहे हा शेतकरी समाज आहे। क्या आपके समाज को न्याय नहीं मिला? न्याय आता जे चालू आहे मराठा आंदोलन आणि ओबीसी आंदोलन आम्हाला आम्ही जे ओबीसी आहोत याच्यामधून मराठांना आरक्षण गेलं नाही पाहिजे याकरता आम्ही एक मोठी चळवळ आता येणाऱ्या 7 डिसेंबरला मोठा एक मोर्चा काढून विधानभवनावर तो मोर्चा आम्ही नेणार आहे व त्याच्यात आम्ही आमच्या मागण्या मांडणार आहे समोर। तो आने वाले दिनों में विधान भवन पे जिस तरह से इन्होंने कहा है कि एक बहुत बड़ा आंदोलन छेड़ने वाले कुछ और भी पदाधिकारी उसे जानना चाहेंगे। सर ये बताएं कि जिस तरह से आज ये जो कार्यक्रम लिया गया ये लेने के पीछे का उद्देश्य क्या था? आमचा कुणबी समाज आहे विविध शाखांमध्ये विभागलेला आहे तर या कार्यक्रमाद्वारे विविध शाखांचे आमचे जे कुणबी वर्ग आहे त्यांना एकत्र जमा करून आपलं एक शक्ती प्रदर्शन दाखवायचं। बरेच या आमच्या समाजातले नेते मंडळी आहे हे वर गेलेले आहे त्यांना विविध पदे मंत्री वगैरे झालेले आहेत ते पण समाजाला त्यांनी ज्या अनुषंगाने हे द्यायला पाहिजे प्रतिनिधित्व द्यायला पाहिजे वेटेज द्यायला पाहिजे तसं वेटेज दिलेलं नाही आहे तर याद्वारे आम्ही आमचं शक्ती प्रदर्शन करू इच्छितो आणि त्यांना आम्ही दाखवू इच्छितो की कुणबी समाज किती कशाप्रकारे एकत्रित आहे। अनेक वर्षापासून आमचा हा जो कुणबी समाज आहे हा खऱ्या अर्थानं विखुरलेला आहे। मोठ्या संख्येने हा समाज असून सुद्धा सध्या तो एवढ्या मोठ्या प्रमाणात काय म्हणता येईल त्याला झोपलेल्या अवस्थेत आहे। त्यांना जागृत करण्यासाठी म्हणून ह्या छोट्या मोठ्या स्नेह मिलनासारख्या कार्यक्रमाचं आम्ही आयोजन या ठिकाणी घेतलेलं आहे। यापूर्वीसुद्धा आम्ही एक मोठ्या मेळाव्याचं आयोजन केलं होतं सर्व शाखीय कुणबी समाज यामध्ये सहभागी होऊन पूर्ण नागपूर जिल्हा भंडारा जिल्हा वर्धा जिल्हा
अख्खा विदर्भ यामध्ये सहभागी झालं होतं आणि मोठ्या प्रमाणात आम्ही तो यशस्वी केला होता. या स्नेहमिलनाचा उद्देश आमचा एकच आहे की सर्वांनी एकत्रित यावं, या समाजावरती मोठ्या प्रमाणात जो काय अन्याय होतो तो अन्याय होता कामा नये आणि यातून एक वेगवेगळं मार्गदर्शन सुद्धा आम्हाला यात लाभत असते. आम्ही यात लोक बोलवत असतो तसे जे मार्गदर्शन करतात आणि एक समाजाला दिशा देण्याचं काम या माध्यमातून करत असतो. आदरणीय आमचे पुरुषोत्तमजी शहाणे अध्यक्ष आमचे अखिल कुणबी समाजाचे, त्यांच्या या नेतृत्वाखाली हे सगळे आमचे सुरू असतं. तो आप देख सकते हैं कि ये जो ताली बजा रहे ये तमाम लोग कुणबी समाज के हैं जिन्होंने हाल ही में स्नेह दिवाली मिलन जैसा प्रोग्राम लिया और इस मिलन प्रोग्राम में तकरीबन समाज के हर तबके के हर क्षेत्र के कई मान्यवर खास तौर पर मौजूद थे और तमाम महानुभावों ने जिस तरह से अपनी बात रखी कहीं ना कहीं आगे चल के हो सकता है कि इस कुणबी समाज को एक नई दिशा एक नई ताकत मिलने के आगे में बहुत ज़्यादा चांसेस है, बशर्ते इसके लिए जो विधायक हो सांसद हो जो इस समाज से आगे बढ़कर आगे गए हैं उन्होंने भी ध्यान देना चाहिए, वरना वो दिन दूर नहीं लोग उपेक्षित रहेंगे. और आज ये जो लोग वंचित जो हुए हैं इनके कामकाज नहीं हो रहे और इन लोगों को न्याय नहीं मिल रहा है. आज भी कुणबी समाज के कई ऐसे बच्चे हैं जो बेरोजगार है, इतने नहीं तो कई लोगों पे भूखे मरने की नौबत भी आ पड़ी है. ऐसे में देश के रीढ़ की हड्डी में अगर कोई समाज है तो कुणबी समाज का जिक्र होता है. कुणबी समाज को न्याय मिलना चाहिए, इसलिए ये लोग आने वाले दिनों में आंदोलन भी करने वाले हैं. अब देखना ये होगा कि ये जब ये आंदोलन करेंगे तब इन्हें न्याय मिलता है या नहीं. कैमरा पर्सन मोनू खान के साथ संजय मीरे, NBC News नागपुर.